वाला और वो, उन दोनों की पड़ताल कर रहे हैं, एक गलत निकल रहा है जो उससे ज्यादा पुराना है और उससे ज्यादा सटीक बताता है, एक को ठीक बता रहे एक को गलत बता रहे, बताओ भाई कैसे मान लोगे? फिर ये क्या करते हैं, ये आते हैं आदमी के पास, मार देते तो ठीक और मार ला दे तो ठीक नहीं, मेरी बनाओ ना तुम जो जेटिन वाले हो, मैं आओ दिखाओ, दिखाता हूँ आदमी के हाथ में प्रेत को ला के दिखाता हूँ, धड़के ना बढ़ा दूँ आदमी के हाथ की, आंखों में देख के उसकी वो बढ़ा दूंगा, क्या कहते हैं हार्ट बीट बढ़ा दूंगा, नाप लेंगे अपने ले आएंगे, और सारे डॉक्टरों को ले आओ, सारे साइंटिस्टों को ले आओ, सारे वैज्ञानिकों को ले आओ, और सारी दुनिया को ले आओ, सारी दुनिया के आदमियों को ले आओ, अंग्रेजों को अलग ले आओ, 50 मुसलमानों को ले आओ, 50 ईसाइयों को ले आओ, और 50 सिखों को ले आओ, और 50 हिंदुओं को ले आओ, सबको ले आओ, और मैं करके दिखाता हूँ अपनी क्रिया, मैं बताता हूँ प्रेत होते हैं कि नहीं। क्या न्यूज 18 वालों के बारे में बता रहे हैं गुरु जी आप? मैं सभी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सभी चैनल वालों के बारे में मैं आपको एक बार जानकारी दे दूँ कि ये लोग स्लॉट उठाते हैं एक घंटे का, अगर आप स्लॉट दे सकते हैं तो ये 50-50 आदमी सब जगह से बुला भी लेंगे और उनकी डिबेट भी करवा देंगे, लेकिन उसके ये पैसे लेंगे, बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। पैसा मनु भैया के पास है ना तो मैं जनता को ठगता ना पैसे दूँ, बात तो ये है, या तो मैं ठगी करूँ तो पैसे दूँ, अब मैं ठगी करता नहीं है तो पहले से ही कितने चैनल वाले मेरे पास आए, मैंने कभी पैसे दिए नहीं तो इसलिए मेरा कभी चैनल पे आया नहीं। आस्था वालों ने भी कहा भाई 10,000 रुपये में आपका आधे घंटे का प्रोग्राम दिया करेंगे सैटरडे टू सैटरडे, मैंने तो मना कर दिया भाई मेरे पास तो 10 भी नहीं है, मैं कहाँ जनता के पैसे वहाँ दूँ भाई, मेरा प्रचार तो लोग ही कर देंगे क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बुरा कर ही नहीं रहा, तो मेरे पास इसलिए नहीं आते भाई, मैं तो यज्ञ की महत्ता दिखा रहा हूँ, नहीं दिखा सकते भाई, मैं यज्ञ की महत्ता दिखा रहा हूँ, यज्ञ से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? नहीं कर सकते, अभी एक बच्चा था कैसे हाजिरी आती थी, बंद होगी ना उसकी 4-5 दिन में, तुम्हारे सामने तो बंद होगी, तुम्हारे सामने तुझे आराम पड़ने चालू हो गए ना भाई, फिर ऐसे तो तुम्हारे सामने ही कर करके दिखा रहा हूँ, मैं तो बाहर कुछ कर ही नहीं रहा, आओ बैठो यज्ञ में शामिल हो, नाम बताओ और आराम पाओ, यही सत्य है तुम्हारी तो ढोंग है, यही सत्य है बाकी ढोंग है, ढोंग सही की वीडियो बनाए जमाने के बच गए कि हां उसमें परेशानी कोई यही नहीं, क्या सत्य की वीडियो है, सत्यता की वीडियो नहीं है, और सत्य जो है वो यहां पे है, नहीं जो लूट रहा है ना वो तो आके पैसे दे देता है चैनल वालों को, भाई तू क्या कहते हैं पैसे देने का, उसका जाके आ रहा वो तो कमा रहा है ना, वो कमा रहा है, 10 देगा 1 लाख कमाएगा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, पहले तो जनता को लुटवा देते हैं, निर्मल बाबा पे जनता को पूरी को लिपटवा दिया, अगले के 4,000 करोड़ रुपए जुड़ गए, अरे मैं 10 साल से पसीना बह रहा बाहर आ रहा हूँ, ठीक है मेरे जोड़ना इतने पैसे कैसे जोड़ देगा, और उससे ज्यादा काम कर रहा हूँ उसका हम कहीं पता नहीं है, फिर उसकी बुराई कर दी, अरे अब शाम तो होना ही होना था, जब कोई सत्यता ही नहीं प्रमाण नहीं है उसके बाद नहीं, जहाँ से धर्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, वैसे तो सारे हिंदू बने घूमे इतने कट्टर बने घूमे कुछ नहीं, सारे चैनल आधे से ज्यादा चैनल तो क्या कहते हैं हिंदूवादी हो गए इस टाइम, ठीक है, और जो हिंदुओं का काम है वो दिखा नहीं रहे, और यज्ञ की सबसे बड़ी ये बेईमानी के वातावरण की सूची है, वहां से रोग के कीटाणु, हाँ मुझे पता है, यही करते हैं ना सारी चीजें यही करते हैं, तो भाई न्यूज में तो न्यूज चैनल में जाना और न्यूज में भेजना अपने बच्चे को सत्य की राह से भटकाना है, मैं तो सीधा बताता हूँ, बच्चा सत्य बोलता है पहले, वहां जाके सीधा सत्य बोलने लग जाता है, ठीक है कि नहीं, खबर कोई होगी बना कुछ देंगे, एक न्यूज वाली आ गई मेरे पास द प्रिंट वाली, वो बेसिक लिबरल थी, लेकिन उस बच्ची को किसने बताया तू पूछिए तो अच्छी बात और दिखाइए बुरी बात, शो बुरी करिए, हमने वो तो साथ के साथ उसकी वो बना ली, अगले को हटानी पड़ी हमारी वीडियो, हमारे व्यूज उससे ज्यादा हो गए, ठीक है ना, वो गधा गंजा जो ससुरा उसका मालिक है उसकी मिट्टी खराब कर दी मैंने, जब भागे वो उन्होंने वो वीडियो हटानी पड़ी मनु भैया की, वहां से भेजी है कि याद वो की लड़की, अरे तू वो लड़की पागल थी, बताए तू यहाँ आ रही है या सच्चाई है, कैसे दब जाएगी, यही काम करते करते मनु भैया को 20 साल हो गया, 20 एक आदमी ने 20 साल से बैठा हूँ लगातार हवन कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ रात से, 14-14, 18-18 घंटे के आसन लगाए, एक ने नहीं दिखाया, ससुरा कोई महात्मा आसन नहीं लगा के बैठता 3 घंटे भी 2 घंटे भी, एक ने नहीं दिखाया कभी, अब यह आदमी सवेरे बैठा था रात को उठा 18 घंटे बाद अपने आसन से, ठीक है सारे महात्मा ये कहते हैं कि 1.5 घंटे में आसन सिद्ध हो जाता है, और जिसका आसन सिद्ध है वो सिद्ध पुरुष है, मेरे को कभी किसी ने सिद्ध पुरुष नहीं माना, आदमी तो समझते कौन है, ससुर इनको पैसे दो तो मैं सिद्ध, ठीक है ये वो वाली बात है, मैंने एक महात्मा देखा घड़ी घड़ी में सिगरेट का ऐसे वो करता था, मैंने पूछा भाई ये क्या है, ठीक है ना, तो एक वो होता है ना क्या बोलते हैं इनकी एक डिग्री होती है क्या बोलते हैं उसको, 1008 108 स्वामी और ऊपर था कुछ महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर
मैं बोला इस गधे को किसने महामंडलेश्वर बना दिया, घड़ी घड़ी में तो छक्की मारे सिगरेट में, कहेगा महामंडलेश्वर भाई, और वो यही कहे जनकपुरी का, बताओ ऐसे महामंडलेश्वर है। ठीक है, ये मैं बोला भाई इसको ये तो डिग्री नहीं ले, इसने तो खरीदा होगा कहीं से ना कहीं। ठीक है, उनसे जुड़ जाते हैं जो भारत के हुए। अब तो संत परंपराओं पर मेरा कति विश्वास नहीं रहा, ऐसा हो गया जैसे कोई नरक का द्वार खोल दो इनके लिए और इन सारे महात्माओं को उसमें भर दो। ठीक है, अब बताओ मैं महात्मा बनूँ कैसे, किस लिए बनूँ? और एक महामंडलेश्वर मैंने देखा घड़ी घड़ी में सिगरेट पी रहा है। ठीक है, जो मुँह से निकल रहा है वो बकरा है, महिलाओं के लिए भी जो निकल रहा है वो बकरा है। तो गुरुजी वो गृहस्थी ना बना रहे, कहाँ महामंडलेश्वर बनोगे आप? वो गुरुजी अपने आप को महामंडलेश्वर, बाद में पता चला इन्हें 7 लाख रुपए भरे थे पुराने टाइम में, महामंडलेश्वर की डिग्री मिल गई, कमाल की बात है। वो गुरुजी महामंडलेश्वर अपने आप को कहते हैं, महात्मा नहीं कहते हैं, वो सिद्ध पुरुष नहीं कहते हैं अपने आप को, महामंडलेश्वर कहते हैं। और आप सिद्ध पुरुष हैं तो आप अपने आप को महामंडलेश्वर और महात्मा कैसे कह सकते हैं? ये तो आपने तर्क दिया, पर मैं बता रहा हूँ ना, सत्यता को दिखाने वाला तो टीवी पे कोई नहीं है। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई न्यूज 18 की, उससे पूछ रहे हैं भाई आपको कितना आराम पड़ा है, वो बता रहा है कि मैंने अभी छड़ी छोड़ दी अपनी, अमरीका वाला एक आदमी बता रहा है कि मैं छड़ी लेके आया था अमरीका में, डॉक्टर बहुत सत्य वाले हैं, सत्यवादी है, हाँ कंबल वाले बाबा जी। भाई कुछ भी हो वो आराम तो दे रहा है, जनता को सुख तो दे रहा है, ले तो कुछ नहीं रहा, अब उसके नाम पे पैसे बटोर रहा है, जनता की मर्जी है वो दे ना दे, वो छीन तो नहीं रहा, आराम तो मिल रहा है, आराम मिल रहा है लोगों को, लोगों के दिमाग को आराम देना बहुत बड़ी बात है। यहाँ आते हैं तो आराम मिलता है तो आते हैं ना लोग, नहीं लोगों के दिमाग को आराम देना बड़ी बात है, वो इतना बड़ा काम कर रहा है, धर्म का ऐसा नाम कर रहा है, उसको पीछे फेंक दिया। अच्छा वही काम बागेश्वर वाला करे तो ठीक, वही काम कंबल वाला बाबा करे तो गलत, और वही काम पंडोखर सरकार करे तो गलत। मीडिया ने पंडोखर बताने वाला पंडोखर सरकार भी है, और मैं ये कह रहा हूँ बागेश्वर से अब भी कम से कम 100 गुना अच्छा बताता है, क्यों? क्योंकि वो रम चुका है, वो पक चुका है उसके लिए। मेरे पास एक केस आया, वो मैंने एक केस देखा पंडोकर सरकार का, उसमें लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, कहाँ गई है किसी को नहीं पता, लड़के का फोन नंबर बता दिया, ये लड़के का फोन नंबर है किस राज्य में, नहीं पता। कितनी बड़ी बात, आपने भी देखी थी बैंक, कितनी बड़ी बात, फिर कितनी बड़ी बात है। अच्छा और एक बात कि इतनी बारीक इतनी महीन बात बता रहा है, बात तो दोनों एक ही बता रहे हैं भाई, वो भी देखने वाला बताने वाला, वो भी बताने वाला, फिर एक अच्छा और एक बुरा कैसे हो सकता है? हाँ गुरुजी, इसका मेरे पास जवाब है, वो लोग डिबेट करते हैं, आप लोग डिबेट नहीं करते हैं, और डिबेट करने वाले तो लोग आपको पता है कि फिर डिबेट वाले होते हैं। डिबेट वाले मतलब? डिबेट मतलब मसाला लगाकर, डिबेट तो मसाले पर होती है, कभी टीवी देखिए आप, उसमें 5-5, 6-6 लोग बैठे होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, क्या वैसा काम आप करना पसंद करेंगे? नहीं देखो, जो तो मेरे पास ऑफर आई थी उसमें जाने की, क्या बोलते हैं वो, कौन सा प्रोग्राम था, बिग बॉस में, तब हमारा नाम बहुत ज़्यादा था, हमारी फील्ड में मेरा नाम सबसे ज़्यादा था, आज भी सबसे ज़्यादा है, तुम्हारी दया से बहुत सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे ही, भूत प्रेत वालों में भी, पितृदोष वालों में। ठीक है ना, वो बात अलग है, मैं कथा नहीं सुनाता, ना मेरे बस की कथा सुना, वैसे सुनाता बहुत कुछ हूँ लेकिन जीवन के अनुभव ही बताता हूँ, जैसे सवेरे भी बताए। ठीक है ना, तो जैसे बिग बॉस में से आया तो मैंने तो कह दिया भाई सलमान खान 500 करोड़ रुपये भी सब पे रख के लेके आएगा तो भी नहीं गया। ठीक है ना, सब तो ऐसा काम नहीं करते, मैंने तो सीधा कर दिया। तो भाई तब हमारे यहाँ से वो गई थी, क्या नाम है उसका, अरे वो सपना चौधरी गई थी उस समय, और एक वो गई थी क्या बोलते हैं वो जो तांत्रिक है, शिवानी दुर्गा आगे ना, तब वो गई थी, मनु भैया को तो जाने की जरूरत है, एक बार इंडिया गॉट टैलेंट से आया था, मैं बोला भाई इसमें टैलेंट कहाँ दिखाऊंगा, ना तो वहाँ कोई भूत प्रेत वाला मानना है, कोई मेरे भूत प्रेत है, होगा भी तो ना अब आगे, अब भाई मैं उसको उबार के दिखाऊँ, कुछ करके दिखाऊँ भाई, या तो शो ही पूरा ऐसा हो, बाकी मेरा टैलेंट इंडिया गॉट टैलेंट में कैसे वो होगा, एक टैलेंट तो है भाई सवेरे बैठ गया रात को उठ के हवन करता भाई, तू ये देख ले एक आदमी इतनी देर से हवन कर ले, ये रिकॉर्ड कर ले, बस ये तो हो सकता है, अब वहाँ तो ये दिखाया नहीं जा सकता, मैं तो स्टेज है, क्या दिखाऊँगा मैं भाई, कौन सा टैलेंट है मेरा, टैलेंट तो यहाँ का है, ये गद्दी दे तो बैठा दो मेरे को, सवेरे रात को उठा लेना यही तो बात है, यही तो टैलेंट है, और क्या है कि नहीं भाई, आदमी दे दो सवेरे बैठा दो, एक आदमी को प्रेत बाधा है, शाम को उसको ठीक ले लो, इतना ही काम कर सकता हूँ अगर एक के लिए करूँगा, ये रिकॉर्ड की बात, उसमें एक दिन खराब जाएगा मुझे ये पता है, मैं एक दिन में अगर 2000 लोगों का काम कर सकता हूँ, 1000 लोगों का काम कर सकता हूँ,
फिर एक ही आदमी दिखाना पड़ेगा उनको करके, भाई ये बुरा था, ये ठीक था, इसमें गलत चीजें थी, और ये निकल के बाहर गई हो गई, जुम्मन पर पूछ ले भाई नहीं। अब इसके अलावा क्या कर नहीं, लेकिन टैलेंट ये है कि एक चीज है अंदर, उसका पता नहीं है, वो शिक्षा में दिखाई दे नहीं रही है, और उसको आपकी मुट्ठी में कैद कर देना और आपकी मुट्ठियों को हिलवा देना और उसकी ताकत दिखवा देना, जैसे ये आदमी बिना बात के अपने हाथ हिला, हाँ गया ना। अब ये पढ़ा लिखा लड़का है, काहे करेगा भाई ऐसे। सबसे बड़ी बात तो भारत का आदमी बदतमीज हो चुका है, वो बदतमीज इसलिए हो चुका है उसमें अंग्रेजी आ गई बहुत पहले से, ठीक है, वो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ लिया, गधे के गुरुकुल तो गए छूट, अब जब गुरु परंपरा ही छूट गई और गुरुकुल ही छूट गया तो फिर क्या हुआ, वो साहब बन गया, और साहब वो बनता है जो गधा होता है, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि फिर वो इसको मानेगा नहीं, उसको नहीं पता ये आदमी कितना दुख पा रहा है, सारे अंग्रेज और अंग्रेजों का बाप और अंग्रेजों का भगवान, भूत निकालते निकालते चला गया, शरीर छोड़ दिया, उस पर लटक गया फांसी पे, उस पर लटक गया, ठीक है, हाथों में कीले गाड़ दी गई, पैरों में वो गाड़ दी गई, जिंदगी में चलते चलते शैतान निकालता रहा, ठीक है ना, जिलाया कौन जिसके अंदर शैतान था, कोई मरा हुआ कभी नहीं जिलाया, किसी ने आज तक नहीं जिलाया, भगवान ने भी आगे किसी मरे हुए को हाथ पकड़ के नहीं जिलाया, खुद भगवान आगे, कृष्ण आगे, ठीक है ना, एक कुब्जा को सीधा किया, इन्होंने कुब्जा को सीधा थोड़े ना किया, लंगड़े चलने लगते हैं, लो मैं लाऊं कितने लंगड़े, सारे लंगड़े चलने लगते तो वो काट के दिखा दे, पंजाब में है, क्या नाम है उस बाबे का, ठीक है, मैं कितने लंगड़े लाऊं, सबको ना चला देगा, कितने अंधो अंधों को दिखता तो कितने ही अंधों को दिख जाता, नहीं, केवल आप प्रेत निकालते हो शरीर से, पितृदोष निकालते हो, उससे आदमी के दर्द गायब होते हैं, उसी से अंधा लंगड़ा चलने लगता है, कितने आदमियों को तो मैंने चला दिया भाई, आए ना समझ में, फिर अरे ये भी अभ्यास होता है, कंबल वाले बाबा ने अभ्यास किया बहुत लंबा, आप भी किसी का हाथ पैर मोड़ नहीं सकते, उसको अभ्यास हो गया, वो मोड़ रहा है आगे ना, तो उसको पढ़ गया अभ्यास, अभ्यास पढ़ते पढ़ते फिर देव कृपा हो जाती है आदमी पे, जब कोई भगवान के नाम का कोई भी कार्य लंबे समय तक करता है दीर्घ अवधि तक, तो देवता की कृपा होती ही होती है, ठीक है ना, इन्होंने रिसर्च क्यों नहीं की, अब ऐसे ही हैं टीवी वाले तो रोजाना रिसर्च करें कि भाई इस मंदिर पे गोला छुटा या 5000 गोले बर्बाद कैसे चले गए पाकिस्तान के, एक भी नहीं फटा, वहाँ के लोग भगवान से यही मांगते थे, माता से उसे ना बताते, ना बताते, माता से यही मांगते थे, नहीं न्यूज 18 ही एक प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी में वो बहुत सारे सत्य भी दिखा रहे हैं, अच्छी चीजें भी बहुत दिखा रहे हैं मंदिरों के, और उन्होंने पहला चालू किया है, ऐसे नहीं ना, सारी बुराई कैसे थोक दूं बहन जी, कुछ तो अच्छा ही होगी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक बागेश्वर वाला तो उसी काम को कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और वही पंडोकर सरकार उसी काम को कर रहा है, बुरा कर रहा है, क्यों भाई, कंबल वाला बाबा पैसे लूट के खा रहा है जबकि वो लेता है, वो लेता नहीं, मैं तो फिर भी कुछ लेता हूँ, कुछ ना लेते आप, वो तो कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते आप, अरे मुंह ना लेता कर रहे हो भैया जी, कुछ नहीं लेते आप, अरे खर्चे तो ले रहा हूँ ना, खर्चे मैं भी तो बाहर जाके लोगों को ठीक कर सकता हूँ ना, मुझे तो करना ही कंबल वाले बाबा जैसा काम चाहिए, पर मेरे कंबल वाले बाबा जैसा काम मैं नहीं करता, और मैं करता हूँ दूसरा काम, मेरे काम में ऐसी चीज शामिल है, गाँव में दो पसंद करते हैं, दो आ गए ना, हमारे यहाँ के लोग अंग्रेज हो गए, उनको पता नहीं अंग्रेजों के जो भगवान है वो भी भूत निकालते थे, केवल भूत ही निकालते थे, और भूत निकालते निकालते भगवान बन गए, शैतान को जलाते थे, वही शैतान प्रेत है अंदर, प्रेत है और पितर, ठीक है, यहाँ का साहब यूँ सोचता है, क्या कहते हैं अंग्रेज बन के, कि यहाँ भूत प्रेत तो होते नहीं, ढोंग करते बने, अरे क्या पढ़िया इन लड़कियों को, क्या पढ़िया इन माताओं बहनों को अपना सिर घुमाना, ठीक है, और वो इन्हीं की कोख से पैदा होते हैं, और इन्हीं के 125 रुपये मारने से वो ठीक होते हैं, उनकी नज़र उतरती है, और वह आज अंग्रेज बन गए, ये वही है ना कि जवाहरलाल नेहरू बाहर से पढ़ के आ गया तो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनने लायक, और अंग्रेजों का काम करने लायक, और जो यहाँ बैठा था जिसने क्या कहते हैं वो देश का, जिसने जिसने क्या कहते हैं वोट भी ज्यादा ली उसको प्रधानमंत्री बनाया नहीं, क्या नाम था उनका, आप कितने गंदे थे क्या, फिर ठीक आगे ना, ये वो वाली बात कि अंग्रेजियत देख ली, टाई देख ली और पढ़ा लिखा देख लिया तो वो दे दिया, किसी का अनुभव कितना है ये किसी ने नहीं देखा, कोई अपने अनुभव से आपको पार लगा सकता है ये किसी ने नहीं देखा है, कोई कोई व्यक्ति गांव में ऐसा होता है जो अनपढ़ होता है लेकिन पूरे गांव में वो प्रसिद्ध होता है, मैं ये बता दूँ, और उसमें बुद्धि इतनी तीव्र होती है कुछ नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ क्या कहते हैं, अरे हमारे
प्रधानमंत्री भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है उनकी डिग्रियां जो है आपने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बुद्धिमता देखो पूरे संसार पे राज कर लिया एक तरह से, पूरे संसार पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका का राष्ट्रपति 3 दिन में नंबर लेके फोन पे बात करता है, 3 दिन बाद देखती हूँ या 5 दिन बाद के बाद नंबर आज। हाँ आज आज दूर से भी ऐसे करता है, दूर भी दिखाई दे जाए, ठीक है बिल्कुल। भारत की शोभा बढ़ा दी पूरे विश्व परिदृश्य में, पूरे विश्व परिदृश्य पे। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, अंतर में क्या चल रहा है, अंतर में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन देश की सीमा और देश का विश्व में नाम, ये दोनों चीजें उस पीक पर पहुंचा दी जो कभी भारत का ये कहते थे ना भारत सोने की चिड़िया, इस तरह से नाम वो बनेगा, बनने वाला है सोने की चिड़िया। भारत अध्यात्म से था और किसी चीज से नहीं था, उसके सारे विषय चाहे वो दर्शन शास्त्र था और चाहे वो अध्यात्म था और चाहे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग था और चाहे उसकी गणनाएं थी, गणना भी क्या कि इस काल में इस दिन इस साल के इस दिन में इस टाइम से इस टाइम तक चंद्र ग्रहण लगेगा, इस टाइम से इस टाइम तक सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। ये तो हमारे कैलेंडरों में कब से चला आ रहा है, हमारा पंचांग ही 2000 वर्ष से ऊपर का है, तो 100 साल से आया है, उससे पहले तो सार्वजनिक यही था। हाँ गाँव के बूढ़े बुढ़िया बता दें देख के कितने दिन में बारिश होगी और क्या मौसम आने वाला, बता दे मैं नहीं बता दे हो गया ना, मेरी दादी थी। हमारा प्रोग्राम अब जो हमने दिया है ये News 18 के प्रोग्राम से ज्यादा सफल है, तालियां बजा दो। बोलो शनिदेव महाराज की, बोले परम पूज्य मनु भैया जी की, बोले गुरु माता जी की, बोले सांचे दरबार की। हमारी वीडियो 31,000 लोगों ने जो सवेरे वाली थी वो देख ली, कौन था जिसने सुना था सवेरे सवेरे, किस किसने सुना था, आपने ही सुना था आज, सुना आज तो मैं भाग ली थी सुबह तैयार हो गई, अरे भाई चाय पी लो चाय। भैया आपने किसी की जरूरत नहीं है, हम तो आ जाएंगे, हम